हेलो ऑल यूट्यूबर, आज आप लोगों को लेके आया हूँ मैं ऐसे पांच टिक्स जो आ भाई पांच टिक हार्ड टाइम आपको यूट्यूब में काम करते समय हार्ड टाइम आपको ये मदद करेगा, जो कि पांच आप जान लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो जान लेते हैं जो पांचों टिक्स क्या है। उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं पहले लेके आता हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। वो पहला पहला होता है, जो हम लोग जब कोई भी थंबनेल बनाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, जैसे कोई भी वीडियो में इमेज डालना है, तो इमेज डालने के लिए हम लोग को कॉपीराइट फ्री इमेज का जरूरत होता है। जी दोस्तों, कॉपीराइट फ्री इमेज को कहाँ से डाउनलोड करें? ऐसे यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, जो बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा या कोई 10-15 वेबसाइट आपको प्रोवाइड करा देगा, लेकिन आज मैं आपको कोई प्रोवाइड नहीं करूंगा वेबसाइट। आपको जस्ट सिंपली मैं गूगल में लेके जाऊंगा और दिखा दूंगा जो कैसे आप गूगल से कॉपीराइट फ्री इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, और क्रोम ब्राउजर जैसे ओपन हो जाते हैं तो उसको क्या करना, थ्री डॉट में जाने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट कर देना है। वो डेस्कटॉप साइट करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है google.com। जैसे ही आप google.com सर्च कर लेंगे तो आपका एक कोना में टॉप कॉर्नर में आपको दिखाई देगा, जूम करके दिखाता हूँ, जो इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इमेज का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। वो जैसे आप इमेज में क्लिक कर देंगे, कोई भी अगर जो भी इमेज आपको चाहिए आपको सर्च करना है। जैसे मान लो मैं वो सिस्टम लॉन्चर MI, जैसे कि मैं सर्च कर लिया हूँ जो MI सिस्टम लॉन्चर, देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत सारा फोटो आ गया है। अभी हमको क्या करना, कौन सा सेटिंग करना, जिस वजह से हम लोग कॉपीराइट फ्री को इमेज को ले पाएंगे। इस जगह आप लोग देख पा रहे हैं टूल्स बोल के एक ऑप्शन है, तो टूल्स में क्लिक करना है। जैसे ही आप टूल्स में क्लिक करेंगे तो आपके साथ और भी बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, और देख सकते हैं इस जगह में यूजर्स राइट्स इसमें क्लिक करना है। जैसे इस क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आपको दो नंबर में जो दिया गया है लेबल्ड फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशन, इसमें आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इसमें क्लिक कर देंगे, जो सारे इमेज आ रहे थे लेकिन अभी उतना सारा इमेज नहीं आ रहा है, इस जगह से आपको जो भी इमेज चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस जगह से आपको हर इमेज नहीं मिलेगा, तो लगभग आपको 60% इमेज आपको इस जगह में मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा तो अभी से अभी एक लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं दूसरा पॉइंट की तरफ। यूट्यूब में जब आप लोग थंबनेल बनाते हैं तो आप अपना इमेज को सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारा इमेज सिलेक्ट करता है जिसका आपको बैकग्राउंड को क्लियर करना पड़ता है। ऐसे में बहुत सारा लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड जो इरेजर होता है प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और उसके बाद वो इरेज करने को लग जाता है। इसमें बहुत सारी टाइम लग जाते हैं, लेकिन अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसे वेबसाइट बताऊंगा जो हर एक यूट्यूबर आपको बताता है, मैं वो भी बताऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर में जाना है, और क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको सिंपल सी सर्च करना है remove.bg। जैसे remove.bg ओपन हो जाता है, आपको सिंपली सी आप क्या कर देना, आपको अपलोड इमेज देख पा रहे हैं, जो अपलोड इमेज में क्लिक करना है। वो जैसे मान लो मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे सिलेक्ट कर दूंगा तो कुछ सेकंड के बाद ही आपको पास एक अच्छा खासा इमेज बैकग्राउंड क्लियर करके दे देगा, जो आप आसानी से अपना यूट्यूब थंबनेल में लगा सकते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और देख सकते हैं जो पूरा तरीके से बैकग्राउंड को क्लियर कर दिया कुछ सेकंड का अंदर ही। आप चाहे तो इसको टैब करके इस जगह डाउनलोड भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस जगह में एडिट में क्लिक करके आपका डाउनलोड का क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस जगह में लॉगिन होना पड़ेगा। अगर इसी हिसाब से अगर डाउनलोड कर लेते तो आपको कोई लॉगिन करने का जरूरत नहीं। तो चलिए तीसरा फीचर, जो तीसरा फीचर क्या होता है, आप हम लोग जब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक डालता हूँ, ऐसे में क्या होता है हम यूट्यूब का लिंक डालता हूँ या कोई एप्लीकेशन का लिंक डालता हूँ या प्लेलिस्ट का हम लोग लिंक डालता हूँ। जैसे हम लोग लिंक डालता हूँ तो लिंक क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो देखने से काफी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप भी चाहते हैं जो अपना डिस्क्रिप्शन में छोटा सा लिंक डाले जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग हो और काफी अच्छा हो, वो भी अपना फ्री में डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है, और क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको टीनी URL ओपन कर लेना। देख सकते हैं मैं टीनी URL को ओपन कर लिया हूँ, और ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। और नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसमें ऑप्शन आएगा जो एंटर ए लॉन्ग URL टू मेक टीनी। तो आपको क्या करना, सिंपली अपना यूट्यूब चैनल में चला जाना है।
तो चलिए, मैं आ गया हूँ मेरा YouTube चैनल में, और आने के बाद कोई वीडियो को मैं अभी शेयर का ऑप्शन में जाके मैं कॉपी कर लेता हूँ लिंक को। जैसे कोई वीडियो का अगर लिंक मैं शेयर करता हूँ, देख सकते हैं मैं अभी आ गया नोट में, और आने के बाद इसमें पेस्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं कोई वीडियो का लिंक होता है, ये छोटा ही होता है, लेकिन अगर मान लो मैं कोई प्लेलिस्ट का लिंक देता हूँ, जैसे मान लो मैं प्लेलिस्ट में जाता हूँ, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जैसे कोई भी आप शेयर करता है, देख सकते हैं मैं प्लेलिस्ट का एक लिंक कॉपी कर लिया हूँ और अभी पेस्ट कर देता हूँ, और देखते हैं जो इसका कितना बड़ा होता है। देख सकते हैं इतना बड़ा हो रहा है, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। और वही चीज़ मैं अभी क्या करता हूँ, वही लिंक में जाके जो टीनी में अभी वो पेस्ट कर देता हूँ। जैसे देख सकते हैं टीनी में पेस्ट कर दिया, और मैं के टीनी URL कर देता हूँ। और जैसे ही मैं टीनी में पेस्ट कर दे, कुछ टाइम के बाद ही आपके पास एक URL तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं पहले URL कितना बड़ा था, लेकिन अभी इतना छोटा हो गया। कॉपी करता हूँ और फिर मैं जाके नोड में एक बार क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं अभी का URL कितना छोटा हो गया, और देखने के भी काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, और भी अच्छा अच्छा फीचर आपको मैं बोलने वाला हूँ, जरूर वीडियो को लास्ट तक बन के रहिए। तो चलिए अभी चलते हैं चौथा फीचर के ऊपर। जो चौथा फीचर क्या है, जो चौथा फीचर आपको मैं बोलने वाला हूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं बहुत सारा वीडियो डालता हूँ, जैसे कि मान लो मैं MIUI 12 के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ, और MIUI 12 के ऊपर वीडियो बनाने के समय हम लोग क्या होता है, बहुत सारा अभी MIUI 12 का बहुत नया नया फीचर आया है, उसमें क्या होता है ना, हम लोग उसको लिंक देना पड़ता है। जैसे कि मान लो गैलरी का लिंक देना पड़ता है, तो गैलरी का लिंक मैं कहाँ से दूं, क्योंकि मैं तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से उसको लिंक को कॉपी करके मैं इंस्टॉल किया हूँ, लेकिन वो तो मेरे को प्ले स्टोर भी नहीं मिला और मेरे को गैलरी से भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कैसे वो लिंक को मैं शेयर कर सकता हूँ, वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका मोबाइल में कोई ऑप्शन है जो APK को शेयर करने का ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको ES फाइल एक्सप्लोर का जरूरत है। तो चलिए मैं ES एक्सप्लोर को ओपन कर लेता हूँ। वो जैसे ही ओपन कर लूँगा, इस जगह में ऑप्शन आएगा जो ऐप्स बोल के, वो जैसे ही देख सकते हैं बहुत सारा ऐप इस जगह में आ गया। अपना फ़ोन में जितना सारा ऐप्स होगा, सारे ऐप इस जगह में शो कर देगा। अब जो भी ऐप का लिंक देना चाहते हैं अपना वीडियो में, तो वो क्या कर सकते हैं, आप इस जगह में दे सकते हैं। पहले क्या करना है, इसको आपको पेस्ट एंड होल्ड करके रखना है। जैसे होल्ड करके रखेंगे, आपको देख सकते हैं इस जगह शेयर का एक ऑप्शन आ रहा है, तो शेयर में आपको क्लिक कर देना सिंपली सी। वो शेयर में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस जगह बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको क्या करना है, इस जगह में ड्राइव में सेव कर देना है। वो जैसे ही आप ड्राइव में सेव कर देंगे, तो आप इस जगह डॉक्यूमेंट नाम भी सेव कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे सेव कर दीजिए। वो जैसे आप सेव करेंगे, वो फाइल क्या होगा, आप लोग गूगल ड्राइव में वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। वो अभी अपलोड हो रहा है, वो देखेंगे जो अभी वो अपलोड हो रहा है, देख सकते हैं जो अपलोड 1 फाइल, आपको मैं अभी सिंपल सी गूगल ड्राइव में दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आ गया हूँ गूगल ड्राइव में। आप देख सकते हैं बहुत सारे APK को मैं इस जगह में डाल के रखा हूँ, जैसे कि सेटिंग MIUI 12। तो इसको क्या करना, सिंपली इस जगह में 3 डॉट में जाना है, और 3 डॉट में जाने के बाद आपको इस जगह ऑप्शन आएगा जो लिंक शेयर ऑन, आपको शायद उस टाइम ऑफ रहेगा तो उसको ऑन कर देना। तो इस जगह से जाके क्या करना, कॉपी कर लेना है। चलिए लास्ट है 5 पॉइंट। 5 पॉइंट में आपको मैं बोलने वाला हूँ जो आप अपना YouTube वीडियो को कैसे शेयर करें, इसी तरीका से जो आपको थंबनेल प्रॉपर तरीका से दिखाई दे, ऐसा होता है फेसबुक में, ग्रुप में और पेज में। लेकिन ऐसे में क्या होता है, उनका जो शेयर करते हैं उसका लिंक जो होता है ना, लिंक को कॉपी करके शेयर कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका थंबनेल अच्छा तरीके से दिखाई नहीं देता। थंबनेल एक साइड में छोटा देखा जाता है, उसका साइड में उसका टाइटल का कुछ अंश देखा था, डिस्क्रिप्शन थोड़ा अंश देखा देता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको थंबनेल अच्छा तरीके से दिखाई नहीं देता, जिस वजह से क्या हो सकता है, आपको व्यूज भी कम हो सकता है, आपको कोई क्लिक भी नहीं करता है। अगर आप भी चाहते हैं जो लार्ज थंबनेल को उस जगह में सेंड करना, चलिए तो आपको मैं बोल देता हूँ। तो पहले मैं चला जाता हूँ जो फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं फेसबुक को ओपन कर लिया हूँ, और मैं एक ग्रुप में चला जाता हूँ। देख सकते हैं एक ग्रुप है जो आशीष रॉय जर्मन, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। वो जैसे मैं क्लिक कर दूँ, देख सकते हैं इस जगह में एक लिंक को मैं शेयर किया था, देख सकते हैं इसका थंबनेल कितना अच्छा तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका नीचे अगर इनका थंबनेल देखेंगे, देखिए इनका जो वीडियो भी लिंक शेयर किया है, लेकिन इसका थंबनेल देखिए छोटा दिखाई दे रहा है, और साइड में इसको अगर दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा। कौन सा अच्छा लग रहा है, मेरा थंबनेल देखिए अच्छा लग रहा है, जो इस जगह में लोग क्लिक करके भी जा सकते हैं। अगर आप भी चाहते इसी प्रकार थंबनेल को शेयर करना, तो आपको सिंपली क्या करना, अपना यूट्यूब में जाना है।
जैसे आप YouTube में चला जाएंगे तो आप क्या करना, अपना योर चैनल में जाना है। योर चैनल में आने के बाद कोई भी वीडियो आपको शेयर कर लेना है। ऐसे कि मान लो इस वीडियो को मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो शेयर में जाके इसको लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं फिर चला जाऊँगा जो फेसबुक में। जैसे देख सकते हैं मैं फेसबुक में आ गया हूँ, और आने के बाद अगर मान लो इस जगह में पेस्ट करता हूँ, देख सकते हैं जैसे ही मैं इस जगह पोस्ट कर देता हूँ, देख सकते हैं जैसे मैं इस जगह में पोस्ट कर दिया हूँ, और पोस्ट करने का समय देख सकते हैं इतना थंबनेल कितना अच्छा तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ जो पांचों का पांचों पॉइंट आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ये पांचों का पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलता है अगला वीडियो के ऊपर, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।